Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well at home. Let's start our work with the name of Allah. Rahim. Okay, first of all, we will do English work. So, take out your page number 2. Page number 2. Look at this page. There are two icons at the top of this page. Read and write. Read and write. First of all, we will read this letter and its sound, and then we will write here. Okay, Ji, tell me which letter is this? B. Which letter is this? B. And B sound is b. B sound is b. B basket. B beer. B basket. B beer. आपको पता है ना कि ये बी के फ्रेंड्स हैं तो आपने इनको भी रीड आउट करना है उसके बाद आपने राइटिंग पे आना है पहले आप इसको रीड करेंगे ब बास्केट ब बीयर ओके okay जी नाउ यू विल राइट हेयर इंडिपेंडेंटली स्टार्ट फ्रॉम हेयर आपने बिल्कुल उसके नीचे नीचे राइट करना है ठीक है और इसको राइट करने के साथ साथ इसका साउंड पढ़ते जाना है बी ब B is down and down, go up, then turn a little. B is down and down, go up, then turn a little. आपने इसी तरह राइट करना है जैसे टीचर आपको राइट करके बता रही हैं और बिल्कुल इसके नीचे नीचे आपने राइट करना है और इसको राइट करने के साथ साथ आपने पढ़ते ही जाना है B sound is b बी ब, बी साउंडेज ब, बी ब, बी साउंडेज ब आपने इसी तरह बहुत नीट फॉर्म में राइट राइट करना है ब बास्केट ब, बीयर ब बास्केट ब बियर ओके जी ना ओपन द पेज नंबर थर्टी टू ओपन द पेज नंबर थर्टी टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द स्टेटमेंट कलर द पिक्चर्स दोज आर रेड कलर द पिक्चर्स दोज आर रेड आपने उन पिक्चर्स में कलर करना है जो रेड कलर की हैं ठीक है ठीके? आपने ये सारे फ्रूट्स देखे हुए हैं तो इनमें आपने जो रेड कलर की पिक्चर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और उनमें रेड कलर करना है ठीक है बाकी जो पिक्चर्स जो दूसरे कलर्स की होंगी उनको आपने छोड़ देना है नाउ लुक एट द फर्स्ट पिक्चर वट डू यू सी इन दिस पिक्चर Strawberries. What do you see in this picture? Strawberries. Yes, these are strawberries. So tell me what is the color of strawberry? Red. What is the color of strawberry? Red. So we will do red color in this picture. ओके okay, जी देखें टीचर ने रेड कलर किया है स्ट्रॉबेरी में तो आपने भी इन स्ट्रॉबेरीज में रेड कलर करना है ठीक है अब हम नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं ये क्या बना हुआ है बनाना यस दिस इज बनाना और बनाना का कलर क्या होता है रेड कलर का होता है नो no, ये तो येलो कलर का होता है ठीक है आपने येलो कलर देखा हुआ है ना एट दिस ये येलो कलर का होता है लेकिन हमने तो इसमें येलो कलर नहीं करना क्योंकि हमने सिर्फ उन पिक्चर्स में कलर करना है जो रेड कलर की हैं ठीक है लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ टोमेटो और आपको पता है कि टोमेटो किस कलर का है ये भी रेड कलर का होता है सो so, इसमें भी आप रेड कलर करेंगे अब नेक्स्ट पिक्चर पे देखिए वॉट इज दिस दिज आर मैंगोज तो मैंगो mango... भी आपने देखे हुए हैं मैंगोज कैसे होती हैं ये भी येलो कलर की होती हैं तो बच्चों ने इसमें भी कलर नहीं करना और उन पिक्चर्स में कलर करना है जो रेड कलर की हैं ये क्या बना हुआ है पियर पियर आपने देखी है नाशपति को कहती हैं और ये ग्रीन कलर की होती है तो इसमें भी हम कलर नहीं करेंगे अब नेक्स्ट पिक्चर को हम देखेंगे दीज आर एप्पल्स ठीक है ये एप्पल्स हैं और एप्पल किस कलर की होती हैं ये भी रेड कलर की होती हैं तो आपने इसमें भी रेड कलर करना है ठीक है तो आपने मैंने तो सिर्फ एक पिक्चर में कलर किया है लेकिन आपने स्ट्रॉबेरीज में टमेटो में और एप्पल्स में इनमें आपने रेड कलर करना है ठीक है ओके जी जैसे आप राइटिंग नीट करती हैं वैसे ही आपने इसमें कलर्स भी बहुत नीट करने हैं ओके okay जी अब आपने वोकेशन वर्क के साथ साथ रीडिंग भी करनी है और आप इंग्लिश की रीडिंग कहाँ से करते हैं अपनी इंग्लिश आपका रीडर जो है इंग्लिश रीडर वन ए से वन ए से आप रीडिंग करते हैं सो ओपन द पेज नंबर ट्वेंटी एट ओपन द पेज नंबर ट्वेंटी एट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पेज वट डू यू सी इन दिस पिक्चर हेयर इज़ अ डॉग एंड द डॉग इज़ वॉचिंग आउटसाइड द विंडो हमने देखा कि डॉग क्या कर रहा है वो खिड़की से बाहर देख रहा है ठीक है डॉग क्या कर रहा है डॉग खिड़की से बाहर देख रहा है डू यू लाइक डॉग यस यू लाइक डॉग एंड आई ऑल्सो लाइक द डॉग आप आपको भी डॉग अच्छा लगता है मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है एंड नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग आई लाइक द डॉग आई लाइक द डॉग आई लाइक द Tell me what is the new word in this page? No new word in this page. Okay, students, repeat again. I like the dog. I like the dog. Okay, see, now we will start. Uh, now we will read these alphabets with their sound. So let's repeat with me A, A, B, B, C, K, D, D.

आपने इन अल्फाबेट्स को टीचर के साथ डेली बेसिस पे रिपीट करना है ताकि आपको इनके साउंड्स अच्छी तरह से लर्न हो सके और आपने वेकेशन वर्क आपका बहुत ज्यादा नहीं है उसके साथ आपको ये डेली रिपीट करने हैं ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड थैंक यू अल्लाह हाफिज